आज तक आप लोगों ने गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इन सब का दूध खाया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं गधी का दूध। जी हाँ, वही गधी जिसका प्रयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता है। अब तक हमने सिर्फ गाय भैंस भेड़ बकरी और ऊँटनी के दूध और उसके उत्पादन के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन अब गधी का दूध भी इनमें शामिल हो गया है जिसका उत्पादन गुजरात में शुरू होगा। अब तक गधे को बोझा उठाने के लिए ही जाना जाता था, लेकिन हलारी नस्ल की गधी को दुधारू पशुओं का नया दर्जा मिलने जा रहा है। कहने का मतलब इनको भी अब दुधारू पशु के अंतर्गत जाना जाएगा। बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस गधी का को किस राज्य में दूध का उत्पादन शुरू किया जाएगा और इसके दूध का भी मूल्य कितना होगा। ये सब सारे जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। हलारी नस्ल की गधी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है। अब गुजरात सरकार हलारी नस्ल की गधी को दुधारू पशु की श्रेणी में रखकर कमाई का जरिया बनाने की सोच रही है। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वेटरनरी डॉक्टर डीएन रंक ने बताया कि आनंद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी संचालित वेटरनरी कॉलेज के वैज्ञानिकों ने ऐसे ही दो प्रकार की गधी की नस्ल की मान्यता प्राप्त की है, एक हलारी और दूसरी कच्छी। सफेद रंग की हलारी गधी दिखने में घोड़े जैसी दिखती है, लेकिन हलारी गधी घोड़े से कद में छोटी पर बाकी गधों के मुकाबले बड़ी होती है, जिससे हलारी गधी के दूध का उत्पादन शुरू हुआ है। गुजरात की स्थानीय हलारी नस्ल की गधी के दूध में बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, और आप लोगों ने सुना भी होगा या कहीं पढ़ा भी होगा, मिस्र देश की रानी क्लियोपेट्रा गधी के दूध से स्नान करती थी, क्योंकि गधी के दूध में एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट और कई दूसरे तत्व होते हैं, जिससे यह दूध कीमती हो जाता है। इस दूध की ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में उपयोग किया जाएगा, जिसके चलते अब दूध में गधी के दूध का उत्पादन शुरू होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, बाजार में इस दूध की कीमत 7,000 रुपये प्रति लीटर बताया गया है, जिससे यह दुनिया में सबसे महंगा दूध साबित होगा। इसको बनाने वाली संस्था ने दो नस्ल की जानकारी प्राप्त की है। सहजीवन ट्रस्ट कच्छ के साथ मिलकर इसे संशोधित किया गया है और उसका प्रपोजल राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसकी मान्यता मिल चुकी है, और आशा करते हैं जल्द ही इस गधी के दूध का उत्पादन गुजरात में जल्द ही शुरू किया जाएगा।